मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मंत्री गोपाल राय जी, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भाई, जैस्मिन जी, हमारे प्रवक्ता पार्टी के विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरलान जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, पार्षदगण, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, दोस्तों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। जब मैं आया तो दिल्ली की मेयर डॉक्टर सेली ओबराय जी अपनी बात रख रही थी, उसके बाद राखी बिरलान जी ने अपनी बात रखी। आज सबकी चिंता क्या है? अभी जो शपथ आपने ली उसका अंतिम वाक्य ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक शपथ का वाक्य मात्र नहीं होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि अंतिम सांस तक बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी मैं एक वीडियो दिखा रहा था और मैं चाहता हूं कि इसको बार बार लोगों तक पहुंचाइए, आप पूरे देश में इसको पहुंचाइए। अयोध्या के एक माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी का काम 272 में नहीं चल रहा। आदिल भाई, सांसद जी कह रहे हैं 272 में काम नहीं चल रहा मोदी जी का, अगर संविधान बदलना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीट दीजिए, हमें संविधान बदलना है। कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुलेआम कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बदलना है। मैं आज इस पार्टी ऑफिस के कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, भारत के संविधान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। ये शपथ हमने ली है और इसको हम पूरा करेंगे। आप भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं? भारत के संविधान में क्या है? बाबा साहब ने कहा शिक्षा में हमें समानता नहीं है, समाज के वंचित लोग, समाज के पिछड़े लोग हजारों हजार साल से जाति व्यवस्था के कारण जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, मंदिरों में प्रवेश करने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, तालाब में पानी पीने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, स्कूल में पढ़ाने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, बाबा साहब ने कहा शिक्षा का समान अवसर हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। और बाबा साहब का वो सपना हिंदुस्तान की किसी सरकार ने पूरा करने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल ने पूरा करने का काम किया है, समान शिक्षा का अवसर। भाई मनीष सिसोदिया जी ने दिन रात मेहनत करके उस शिक्षा व्यवस्था को जमीन पे लाने का काम किया। केजरीवाल जी 2015 में मनीष सिसोदिया के साथ सरकारी स्कूलों को देखने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, हमारे आपके बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, प्रयोगशालाएं नहीं होती थी सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं स्कूलों में जहां पे मकड़ी के जाले लगे रहते थे,
केजरीवाल जी ने एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, बाबा साहब के सपने को पूरा किया। बाबा साहब का सपना था कि भारत का संविधान, उसमें हर व्यक्ति की आस्था होनी चाहिए, भारत का संविधान हर व्यक्ति को समझ में होना चाहिए और उस संविधान में उसको क्या अधिकार मिले हैं इस बात की समझ उसको होनी चाहिए। 75 साल में तो बहुत सारी सरकारें आई और गईं, लेकिन हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कहा सरकारी स्कूलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ाया जाएगा। कहा कि नहीं कहा बताओ? कहा था ना, कहा था ना। तो जन्म के आधार पर भेदभाव ना हो, ये ताकत कौन देता है? कौन देता है? जोर से बोलिए, कौन देता है? जोर से बोलिए। शिक्षा के नाम पर भेदभाव ना हो, ये अधिकार कौन देता है? स्वास्थ्य के नाम पर भेदभाव ना हो, ये अधिकार कौन देता है? नौकरी में अवसर के नाम पर भेदभाव ना हो, ये अधिकार कौन देता है? तो भाजपा अगर संविधान बदल दिए तो आरक्षण खत्म कर देंगे? कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताओ? कर देंगे ना आरक्षण खत्म? खत्म कर देंगे ना? क्योंकि बाबा साहब ने कहा सामाजिक व्यवस्था के कारण, दुर्भावना के कारण, भेदभाव के कारण समाज के बड़े तबके को आपने सरकारी नौकरी से दूर रखा है। और तमाम समाजवादी नेताओं ने उदाहरण दिया, डॉक्टर लीमे ने एक किताब लिखी, डॉक्टर लोहिया ने लिखा, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है और एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है तो उनमें प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। पहले 0 पॉइंट वाले को आगे बढ़ाओ, 20 किलोमीटर वाले के बराबर करो, फिर दौड़ कराओ और देखो कि कौन आगे जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो आरक्षण के जरिए भारत के संविधान ने समाज के वंचित तबके को, शोषित तबके को, आदिवासियों को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को आरक्षण की व्यवस्था दी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अगर दोबारा सत्ता में 24 में आ गए, याद रखना पूरे मुल्क में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग भारत के संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार और आरक्षण को बचाने के लिए इनसे लड़ाई लड़ेंगे और 24 में इनकी विदाई करेंगे। विदाई करना है कि नहीं करना है? करना है ना। एक मुख्यमंत्री बने आदिवासी समाज से, क्या नाम था भाई उनका? क्या नाम था? जोर से बोलिए, हेमंत सोरेन। जिनके पिता ने झारखंड राज्य बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, हेमंत सोरेन आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, आदिवासी समाज के नेता फर्जी मुकदमा लगा के बिना किसी आधार और सबूत के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री को मोदी जी ने उठा के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया ना। अपमानित करने का काम किया कि नहीं किया? समाज के सबसे बड़े तबके को, आदिवासी समाज को, किया ना। इसका जवाब देना है कि नहीं देना है बताओ? देना है कि नहीं देना है? दिल्ली के अंदर 3 बार से प्रचंड बहुमत पाने वाले मुख्यमंत्री, एक बार जीते, फिर 2 बार जीते, फिर 3 बार जीते, भाजपाइयों को लग गया दिल्ली में तो दाल गलने वाली, दिल्ली में दाल गलने वाली, दिल्ली में दाल गलने वाली। बोले करें क्या? बोले कुछ मत करो, अब इस मुख्यमंत्री को भी पकड़ के जेल में डाल दो। जो मुख्यमंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखी गई एक एक बात को जमीन पे सच कर रहा था, जो मुख्यमंत्री कह रहा था बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी, सरकारी स्कूलों में संविधान पढ़ाया जाएगा, दवाएं और इलाज तो मुफ्त मिलेगा,
फरिश्ते स्कीम के तहत गरीबों का भी इलाज अगर 50 लाख रुपए भी खर्च होता है तो होगा। माताएं बहनें, मजदूर वर्ग की हमारी माताएं बहनें, जिनके जेब में काम पर जाने के लिए, अपने गंतव्य तक जाने के लिए, अपने कॉलेज जाने के लिए पैसा नहीं होता, उनके लिए बस की फ्री यात्रा की जाएगी, बिजली फ्री देके, पानी फ्री देके, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सुविधा दी जाएगी। जब ये सपना केजरीवाल ने देखा और जमीन पे सच करना शुरू किया तो मोदी जी और भाजपा वाले घबरा गए, बोले अगर ऐसे काम पूरे देश में होने लगा तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। दुकान दुकान पंजाब पहुंचे, वहां दुकान बंद हो गई भाजपाइयों की। अकाली दल के साथ मिलके लूटखोरी कर रहे थे, वहां से साफ हो गए। गुजरात पहुंचे, 14% वोट लेके आए, 5 विधायक हमारे जीत गए। गोवा पहुंचे, 6.5% वोट लेके आए, 2 विधायक हमारे जीते। 15 साल से एमसीडी में दिल्ली को कूड़ादान बना रखा था भाजपाइयों ने, झाड़ू वाले निकले, मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, एमसीडी से सारा कूड़ा साफ कर दिया कि नहीं कर दिया भाई? वो पहाड़ नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? वो कूड़े वाला पहाड़ देखा था ना नीचे जा रहा है ना? तो केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे एकमात्र कारण है ये जो तस्वीर आपके सामने रखी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता के सपनों को जमीन पर पूरा करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाला गया है। तो जेल का जवाब। मैंने सुना दिल्ली के एलजी साहब एक कार्यक्रम में कह रहे थे, ये जेल से सरकार तो नहीं चलेगी। भाजपाई कह रहे थे जेल से सरकार तो नहीं चलेगी। सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, आतिथि जी कह रही थी, गोपाल राय कह रहे थे, हम सब लोग कह रहे थे भाई सरकार तो जेल से ही चलेगी, तुमको पीछे हटना पड़ेगा, हम लोग पीछे हटने वाले। कल बेचारा थक हार के हमारे एलजी ने कहा बिजली भी फ्री रहेगी, पानी भी फ्री रहेगा, हमारा सर मत खाओ, जाओ भैया तुम लोग। बोला कि नहीं बोला? तो इसलिए चिंता मत करना, अरविंद केजरीवाल का आपसे वादा है, और वादा तो तब भी छोटी चीज होती है, गारंटी। एक एक कही गई बातें पूरा करने का काम करेंगे। और भारत की पहली सरकार है केजरीवाल की सरकार जो घोषणा पत्र में लिखे गए वादे से, गारंटी से ज्यादा काम करके हमने दिखाया कि नहीं दिखाया? बताओ भाई, 1,000 रुपए तो हमारे घोषणा पत्र में नहीं था ना आतिशी जी? नहीं था। मैं उस समय जेल में था, मैंने टीवी पे देखा तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। हमारी माताओं बहनों के आर्थिक संकट को समझने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। उनको छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो अपने पति का चेहरा देखना पड़ता था, कई बार पति झिझक देता था, नहीं पैसे नहीं देंगे, अरे 50 रुपए चाहिए बेटी के लिए थोड़ा सामान खरीदना, नहीं पैसे नहीं देंगे, अरे वो भाई आया था सोच रही थी थोड़ा मिठाई मंगा के खिला देती, नहीं पैसे नहीं है पैसे नहीं देंगे, तुम अपने भाई को मिठाई खिलाना चाहती हो? केजरीवाल ने उस दर्द को समझा और उन्होंने कहा हमारी बहनों को अपने पति का चेहरा छोटी मोटी चीजों के लिए देखने की जरूरत नहीं है, 1,000 रुपए प्रतिमा। और भाजपा के लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं दिल्ली में आपकी सुविधाएं खत्म हो जाए, वो चाहते हैं आपका बेटा, आपका लाल, आपके लिए काम करने वाला दिन रात समर्पित भाव से वो अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में रहे।
अगर अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालना चाहते हो तो सात की सातों सीटों पर दिल्ली में जमानत जब्त करा के इनको वापस भेजने का काम करना, जेल का जवाब वोट से देना और भाजपाइयों को बता देना कि बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो पहले 80 में तुम्हारी दो सीटें थी, अब तुम्हारी जीरो सीटें पहुंचा दी जाएंगी, जीरो। अगर पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी सीटें जीरो पहुंचा दी जाएंगी, जीरो। याद है कि भूल गए भागवत साहब का बयान आप लोग? याद है राखी जी, बिहार के चुनाव में क्या बोला था भागवत साहब ने? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बहुत चालू है भाजपाइये, ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं समझे ना हो। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अरे समीक्षा हम करेंगे, इस देश के लोग इस देश के मालिक हैं, 140 करोड़ लोग इस देश के मालिक हैं, समीक्षा हम करेंगे। और हमने समीक्षा की है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग समाज के दलित और पिछड़े तबके से, आदिवासी तबके से भेदभाव रखते हैं, और इस समीक्षा के बाद हमने तय किया है कि पूरे देश में तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करना है। हमसे पीछे से पूछ रहे हैं कैसी समीक्षा आपने की संजय जी, समीक्षा कैसे की? समीक्षा नहीं, साफ साफ दिखता है, ध्यान से सुनना और घर पे जाके सोचना जरा। भारत के राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, सेवरी के जूठे बेर खाने वाले उस प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भी रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, प्रधानमंत्री जहाज से उड़ते अयोध्या पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री भी रहती है, राज्यपाल भी रहते हैं, मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच जाते हैं, राज्यपाल अयोध्या पहुंच जाते हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिलान्यास में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल शिलान्यास में रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अगर शिलान्यास में थे तो आप बताइए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी क्यों नहीं थे इस मंदिर के शिलान्यास में? यह सवाल जरा सोचना अपने दिमाग में, क्योंकि भेदभाव करते हैं, भेदभाव है इनके मन में। प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आदिवासी समाज की महामहिम हमारी राष्ट्रपति, जिस पर पूरे देश को और आदिवासी समाज को गर्व है, वो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं थी? ये सवाल पूछना। गलत तो नहीं कह रहा हूं। भेदभाव भाजपाइयों के तन मन में बसा हुआ है, भेदभाव इनके कण कण में बसा हुआ है, और इसलिए उस भेद का भेदभाव को हमें निकाल कर फेंकना है। और इस बार के चुनाव में इनको जेल का जवाब। केजरीवाल जी अगर आज जेल में है तो मोदी जी एक बात कहते थे 2014 के चुनाव में, क्या कहते थे? भाइयों और बहनों, घर से जब बाहर निकलना तो घर का सिलेंडर देख के जरूर वोट देने के लिए जाना। कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं आपसे कह रहा हूं, भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे का चेहरा देख कर जाना, जिसके लिए केजरीवाल ने अच्छे शिक्षा का इंतजाम किया है। भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना
तो अपनी उस बेटी, अपनी उस मां, अपनी उस बहन को देख के जाना जिसको फ्री बस की यात्रा की सुविधा केजरीवाल ने दिया है। जब अपने घर से निकल के जाना तो अपने घर के बुजुर्गों को देख के जाना जिसको श्रवण कुमार बन के तीर्थ यात्रा कराने का काम केजरीवाल ने किया है। भाइयों और बहनों, जब अपने घर से जाना तो बिजली का बिल देख के जाना, पानी का बिल देख के जाना जिसको आजादी के बाद पहली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जीरो पर पहुंचाने का काम किया है, जीरो पर। और जब ये सब कुछ आपको याद रहेगा तो अरविंद केजरीवाल आपका बेटा आपको याद रहेगा, और जब आपका बेटा आपको याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा कि आपका बेटा इस वक्त जेल में है, उस जेल से उस बेटे को निकालने के लिए भाजपा को दिल्ली से साफ करना पड़ेगा, झाड़ू चलानी पड़ेगी, सातों सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जिताना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को जिताना पड़ेगा, और जेल का जवाब वोट से जो नारा है उसको जमीन पे सच करके हमें दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।